गाजी न्यूज चैनल, सबसे पहले देश और समाज की खबरें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पहुंचे मेदांता हॉस्पिटल। मेदांता हॉस्पिटल पहुंचते ही मोहम्मद अराफात खान से बात करने के बाद आजम खान जी से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया और बोले जल्द से जल्द रिहा होंगे आप। आजम खान जी से मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब हुए, बोले बीजेपी ने झूठे मामलों में फंसाया है, जल्द से जल्द बाहर आएंगे आजम खान जी। आप खुद सुने अखिलेश जी को, रुबीना की स्पेशल रिपोर्ट। पीछे तो फिर हमारे क्यों चले जा रहे हैं? पीछे जाओ, किस पीछे? ये आप लोग की सिक्योरिटी बुला लीजिए इनको। आइए भैया, आइए। मैंने आज अपना साहब के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी, उन्होंने डॉक्टर की टीम इलाज चल रहा है और स्वस्थ है और जितना भी अच्छा इलाज हो सकता है वो यहाँ, और हम सब चाहते हैं कि बहुत जल्दी वो स्वस्थ हों। और वहीं हमें ये भी भरोसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने न्यायालय पर है कि न्यायालय न्याय करूंगा और बहुत जल्दी आगे आने का काम हमारे लिए के जरिए 300 लोगों की फोन करने का मामला सामने आ रहा है और विपक्ष के नेता है उनकी फोन चेक करने की या सुनने की बात सामने आ रही है। हालांकि सरकार का ये कहना कि बदनाम करने का प्रयास होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए, जब जनता ने उनका भरोसा किया। दिल्ली में बहुमत की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर क्योंकि आप चाहे वो अधिकारी हों, राजनेता हों, पत्रकार हों, उनके रिकॉर्डिंग करते जरूरी है, आराम से बनाइए फोन रिकॉर्ड कर सकते आगे क्या सरकार इसका जवाब तो नहीं देती है। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कराया है तो ये दंडनीय अपराध है। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है कि उनकी जानकारी बनी है तो इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा और क्या होगा कि लोग इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हो और भारत सरकार को ये न जानकारी जिस तरह से आजम खान की तबियत ठीक नहीं थी उससे पहले ही उन्हें शिफ्ट कर दिया गया जेल, तो लगता है कि जल्दबाजी की गई थी उनको शिफ्ट करने में। सर ये मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर अच्छा इलाज करेंगे और तब तक इलाज होना चाहिए जब तक वो स्वस्थ ना हो। ये समय इस समय उस समय बात करें किसको जोड़ना है। धन्यवाद। राम राम।